एक कमेंट्स है जो ज्यादातर लोग मुझे करते हैं आज की डेट में कि सर हम भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं और हम यूट्यूब पर आ भी चुके, हमने चैनल भी बना लिया, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। और मैं गारंटी से कहता हूं पिछले 5-7 सालों में जो मैंने यूट्यूब पर देखा है, यूट्यूब पर दिन रात चैनल बनते ही रहते हैं, नए नए चैनल बनते हैं, लेकिन 98-99% लोग फेल हो जाते हैं। 1-2% लोग ये जो भैया यूट्यूब पर सफल हो पाते हैं, पैसा कमा पाते हैं, और उनसे ही इंस्पायर होके बाकी के 98% लोग भी अपना चैनल क्रिएट करते हैं और भाई साहब वो असफल हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं फुल एक्सपीरियंस के साथ आपको बताऊंगा वो 5 मिस्टेक जो नए यूट्यूबर करते हैं और इसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं और यूट्यूब पे सफल नहीं हो पाते। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन मैं पूरा एक्सपीरियंस देने का ट्राई करूंगा एक ही वीडियो में, और ये वीडियो आपकी लाइफ भी चेंज कर सकती है अगर आप भी यूट्यूब पे अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, पूरा देखना है और अपने चैनल पे फॉलो करना है। और भैया टिप्स ट्रिक्स अगर आपको सीखते रहना है, नई नई अपडेट चाहिए आपको, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं बनाता रहता हूं। देखिए ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट बहुत एक्सपीरियंस से समझा रहा हूं। पहला जो पॉइंट है अपना, पहली जो मिस्टेक्स है वो करते हैं भाई साहब टॉपिक सिलेक्शन एंड स्ट्रेटजी पे। अब हर कोई आपको ये चीज बता देगा कि यार आपका टॉपिक सही नहीं है, आपका टॉपिक सिलेक्शन सही नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है, बट कोई खुल के नहीं बताता कि भाई एक्चुअल में आपको करना क्या है। तो मैं इस वीडियो में इसको खोल के पूरा समझाता हूं। देखिए टॉपिक्स की बात जहां तक आते हैं, तो टॉपिक्स जब हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी चैनल को क्रिएट करने के लिए, वहां पे हम बेसिकली 3 मिस्टेक करते हैं। पहली मिस्टेक क्या होती है कि कोई भी यूट्यूबर जब यूट्यूब पर यूट्यूबर बनना चाहता है, उससे पहले वो एक व्यूअर होता है और बहुत सारे वीडियोज वो खुद से कंज्यूम करता है, खुद से देखता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई अनबॉक्सिंग देखना बहुत पसंद करता है, उसे नए नए गैजेट की अनबॉक्सिंग देखनी है। अब वो सोचता है कि यार चल मैं भी एक अनबॉक्सिंग का चैनल स्टार्ट कर लेता हूँ। तो स्टार्टिंग में उसे गैजेट तो मिलते नहीं है, तो अपने दोस्त वगैरह से गैजेट को कबाड़ेगा कि यार भाई दे दे, यार भाई दे दे, यार मैं अनबॉक्स करूंगा, भाई तूने नया फोन लिया भाई दे दे, या किसी दुकानदार के पास जाएगा कि भाई तेरे पास जितने भी नए नए फोन आते रहे मेरे को बस खाली 1-2 घंटे के लिए दे दे अगर वीडियो बनाने के लिए, या फिर वो क्या करेगा, वो खुद से फोन खरीद लेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट करेगा। तो सिंपल सी बात है, वो मेहनत भी कर रहा है, पैसे भी खर्च कर रहा है, लेकिन उसका जो वीडियो बनाने का तरीका है ना, वो तरीका सेम वैसा ही रहेगा, उसमें वही टच होगा जिसको देख के वो इंस्पायर हुआ है, खुद का कुछ कुछ भी उसमें ऐड नहीं करेगा। अब आज के डेट में अगर देखा जाए तो हर टॉपिक पर भाई इतने बड़े बड़े यूट्यूबर एस्टैब्लिश हो गए हैं, तो अगर आप उसमें कुछ नया डालोगे नहीं ना, अब नया डालना कैसे वो भी मैं इस वीडियो में ही समझाऊंगा, तब तक आपको ऑडियंस पसंद नहीं करेगी। मान लो मैं ट्रैवल वीडियोस बहुत देखता हूँ, मुझे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत पसंद है भाई देखना। अब मैं सोचता हूँ यार काफ़ी सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, दुनिया भी घूम रहे, चलो मैं भी भाई साहब अपना झोला उठाता हूँ और चल देता हूँ, भाई साहब बैकपैकर बन जाता हूँ। अब देखिए मेहनत मैं भी करूंगा, मैं पैसे भी खर्च करूंगा, इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो मैं ट्रैवल कर पाऊंगा, स्टार्टिंग में कोई स्पॉन्सरशिप तो मिलेगी नहीं, लेकिन मैं क्या करूंगा वीडियोज वैसे ही बनाऊंगा जिसको इंस्पायर होकर मैंने स्टार्ट किया है ट्रैवल। जब आप ऐसा करते हो तो ये आपका एक बड़ा मिस्टेक होता है और इसमें आपके पास कोई यूनिक चीज़ नहीं होती आपके कंटेंट में, तो ऑडियंस आपको उतना पसंद नहीं करती, धीरे धीरे पसंद करती है, तो आपको ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगता है, तब तक भाई साहब आपका मोटिवेशन ही टूट जाता है। यूट्यूब पे आप जल्दी जल्दी अगर ग्रो नहीं होंगे ना, तो आपका मोटिवेशन टूट जाएगा, फिर आप यूट्यूब चैनल को बंद कर देते हैं। तो एक मिस्टेक तो ये बिल्कुल मत करो, जब भी आप किसी से इंस्पायर हो, इंस्पायर होना बहुत जरूरी है, अगर आप व्यूअर नहीं बनेंगे तो यूट्यूबर भी नहीं बन पाएंगे, ये भी सही बात है, लेकिन जब आप अपना कंटेंट बनाएं तो अपना वैल्यू ऐड करें। स्टार्टिंग में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, फिजिकली भी और मेंटली भी, ये आप ध्यान रखें, स्टार्टिंग में बहुत मेहनत मांगता है यूट्यूब। दूसरी चीज आती है टॉपिक सिलेक्शन में, जो दूसरी मिस्टेक है वो है कि रॉन्ग टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। अब ये रॉन्ग टॉपिक सेलेक्ट कैसे होता है मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरे को एक्सपर्टीज किसी और टॉपिक पर है, लेकिन मैंने सोचा कि यार इस टॉपिक पर ज्यादा व्यूज आते हैं, तो एक काम करता हूं मैं इस टॉपिक पर ही वीडियो बनाता हूं। अब मैं 10-15 वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद भाई साहब मेरी एक्सपर्टीज तो है नहीं उसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा फिर मैं लोगों को ही देख देख के वही इंस्पिरेशन ले लूंगा और वैसे वैसे वीडियोज बनाता रहूंगा और मेरी जो यूनिकनेस है वो खत्म हो जाएगी। तो मुझे अपनी एक्सपर्टीज देखना बहुत जरूरी है कि यार मैं किस चीज में एक्सपर्ट हूं, मैं किस चीज को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। मान लो मैं मूवीज बहुत ज्यादा देखता हूं, बहुत मूवीज देखता हूं, लेकिन मैं चैनल बना लूं टेक का, तो भैया फिर मैं फेल हो जाऊंगा क्योंकि मेरा तो इंटरेस्ट मूवीज में था। तो इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज को जरूर पहचानना चाहिए, उसके हिसाब से टॉपिक को सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि भैया बहुत लंबे टाइम तक आपको यूट्यूब पर काम करना है, ऐसा नहीं है 10-15 वीडियो बना के आप यूट्यूब से जीवन भर पैसा कमा लोगे। अब तीसरी मिस्टेक आती है कि ऐसा टॉपिक चुन लेना जिसकी ऑडियंस ब्रॉड नहीं है। होता क्या है, देखिए दो तरह के यूट्यूब चैनल होंगे, आपने देखे होंगे कुछ ऐसे टॉपिक के चैनल है जिनकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है, जैसे व्लॉगिंग है, व्लॉगिंग में बहुत ऑडियंस है भाई, बहुत है। किड्स के चैनल है बहुत ज्यादा ऑडियंस है, टैक में बहुत ऑडियंस है, फाइनेंस में थोड़ी सी ऑडियंस थोड़ी सी कम है, ठीक है, इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में और हम माइक्रोनिक में चले जाए तो थोड़ी और कम रह जाएगी।
तो इस तरीके से क्या होता है कि आप अगर मान लो कोई ऐसा टॉपिक चूज कर लोगे जिसमें ऑडियंस ही कम है, तो आपके टॉपिक को तो चूज कर लिया आपने, ऑडियंस भी कम है, तो आपको ग्रो होने में टाइम लगेगा। आप धीरे 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 ग्रो होंगे। और यूट्यूब पर मैंने आपको पहले ही बताया कि आदमी का मोटिवेशन टूट जाता है अगर चैनल फटाफट से बूस्ट नहीं होता है। तो शुरू में आप एक ऐसा टॉपिक चुनो अपनी चैनल्स के लिए जिसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा हो, तो कम से कम YouTube आपके 1-2% ऑडियंस तक भी रिकमेंड कर देगा वीडियो, कुछ परसेंट भी रिस्पांस मिलेगा तो भी आपको चैनल पे एक अच्छी ग्रोथ नजर आएगी। तो ये होते हैं टॉपिक सिलेक्शन के मिस्टेक जो नहीं करनी है। अब इसी में स्ट्रेटजी की बात करी हमने, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। तो यूट्यूब पर क्या होता है, स्ट्रेटजी ये होती है कि आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है मेंटली कि यार मैं इस स्ट्रेटजी से इस तरह की वीडियोज बना के, इस तरह का थंबनेल बना के, इस तरह की चीजों में ये चीज थोड़ा सा यूनिक करके डालूंगा। पहली बात तो ये। दूसरा, मेरी कंसिस्टेंसी बरकरार रखूंगा। बहुत सारे लोग ना कंसिस्टेंट नहीं रहते, ये भी बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है। स्ट्रेटजी ऐसी बनाओ, ऐसा एक कंसिस्टेंट अपना शेड्यूल बनाओ ताकि आप एक सही टाइम पे वीडियो भी डिलीवर कर पाओ। पहले ही सोच लो कि यार मैं इतना ही वीडियो बना पाऊंगा, महीने में मेरे पास इतना ही टाइम है, 10 ही बना पाऊंगा, तो मैं ठीक है यार 10 बनाऊंगा तो 3 दिन में एक वीडियो डाल दिया करूंगा। वो कंसिस्टेंसी आपकी दिखनी चाहिए। दूसरा एक स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपने जो पहली वीडियो बनाई है, दूसरी बनाई है, तीसरी बनाई है, 10वीं बनाई है, तो हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा आप इंप्रूव करते जाएं, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होना जरूरी है। ये नए चैनल पे आपको जरूर करना है। ये स्ट्रेटजी अगर आप लगाओगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, तब आप आगे जा पाओगे। तो ये पूरी टोटल एक मिस्टेक थी जो नए चैनल करते हैं और फेल हो जाते हैं। अब मिस्टेक नंबर 2 की बात करते हैं, जो मेन मिस्टेक लोग करते हैं वो है भाई साहब शॉर्टकट फाइंड करना। शॉर्टकट ढूंढते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए कोई ग्रो करने का। एक काम करता हूँ, एक वीडियो मैंने डाल दी, अब सारे दोस्तों को शेयर कर देता हूँ, तो जितने भी दोस्त हैं मेरे, 1000 दोस्तों को मैंने शेयर कर दिया, मतलब दोस्त का मतलब 1000 लोगों के नंबर है मेरे पास, मैंने शेयर कर दिया, 1000 सब्सक्राइबर तुरंत ही हो जाएंगे। या मैं क्या करता हूँ, कहीं से सब्सक्राइबर खरीद लेता हूँ, कहीं से व्यूज खरीद लेता हूँ, एड लगवा लेता हूँ, और पता नहीं क्या क्या। एक काम करता हूँ, मेरी कैटेगरी के जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं उनके जाके कमेंट सेक्शन में सपोर्ट सब लिखता हूँ, और पता नहीं क्या क्या तूफान मचा देते हैं वो। मतलब उनको चाहिए कि भैया 3 दिन में मेरा चैनल फटाफट ग्रो हो जाएगा, उसके लिए वो शॉर्टकट्स ट्राई करते हैं। शॉर्टकट्स ट्राई करना आपको शुरू में बड़ा मजेदार लगेगा, लेकिन ये आपके चैनल के ओवरऑल जो ग्रोथ है उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये भी वो एक मिस्टेक है कि भाई साहब आपके चैनल को स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा बहुत मिल जाए व्यूज वगैरह, थोड़ा बहुत बूस्ट मिल जाए, लेकिन आगे जाके आप लटक जाओगे, और उसके बाद क्या होगा, वही बात, चैनल जब ग्रो नहीं होता तो आपका मोटिवेशन टूट जाता है और फिर आप काम ढंग से करते नहीं हो, और फिर भैया यूट्यूब को छोड़ देते हो। तो ये हो गई 2 मिस्टेक जो नए चैनल अक्सर करते हैं जिसकी वजह से वो फेल होते हैं। अब आती है मिस्टेक नंबर 3, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भाई साहब समझ लिया ना आपने, आपको यूट्यूब पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें क्या होता है कि जब नया यूट्यूबर यूट्यूब पर आता है तो वो सोचता रहे अपन तो धुरंधर है, अपने को सब कुछ आता है, अपने को सब वीडियो बनाना है, सब कुछ आता है, अपन बना लेंगे, अपन सफल हो जाएंगे। लेकिन यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है और जो पॉलिसीज है और जो अपडेट्स आती है यूट्यूब की, उनको ध्यान से नहीं देखता। अब मैं भी अगर YouTube की किसी पॉलिसी पे वीडियो बनाता हूँ, उस पे वीडियो पे व्यूज बहुत ही कम आता है, लेकिन अगर मैं ये वीडियो बना दूं कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे 3 दिन में कैसे पूरा करे, तो ज़्यादा व्यूज आएगा, तब की आना चाहिए पॉलिसी की वीडियो पे ज़्यादा। तो यूट्यूबर नया नया क्या होता है, वो पॉलिसी को समझने की ट्राई ही नहीं करता, उसको चाहिए ही नहीं ज्ञान। अब ज्ञान नहीं चाहिए तो होता क्या है कि भैया कई बार तो होता है कि यूट्यूबर बहुत मेहनत करता है, पैसा खर्च करता है चैनल पे, भाई साहब सब कुछ कंप्लीट करके जैसे ही मोनेटाइज भेजता है लिखा जाता है कि आपका तो भैया जो वीडियो जो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो भैया आपका मोनेटाइज नहीं होगा, या आपने रियूज कंटेंट यूज कर लिया अब मोनेटाइज नहीं होगा। फिर वो हम जैसे वो कमेंट करता है, मैसेज करता है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी कौन सी वीडियो में क्या मिस्टेक है। भाई तुमने पॉलिसी पढ़ी नहीं है। कई बार कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाता है, कई बार कॉपीराइट आ जाता है, कई बार कोई ट्रेडमार्क स्ट्राइक आ जाता है, कई बार कोई प्राइवेसी कंप्लेंट हो जाती है। मतलब कुल मिला के उस बंदे को एक्चुअल में नॉलेज नहीं होती और नॉलेज लेना नहीं चाहता। नए यूट्यूबर की सबसे बड़ी मिस्टेक है वो नॉलेज नहीं लेना चाहता। मैं हमेशा कहता हूं अगर आप एक यूट्यूबर है तो जितनी भी पॉलिसीज यूट्यूब की हैं उन सबको ध्यान से और एक अच्छे सोर्स से देखें, क्योंकि यूट्यूब पर यूट्यूब का ज्ञान देने वाले बहुत सारे महारथी यूट्यूब पे घूम रहे हैं जिनको खुद को कुछ नहीं आता। तो भाई साहब एक ट्रस्टेड यूट्यूबर पकड़े जो आपको एक सही नॉलेज दे। अगर मेरी बात करूं तो भाई मैं यूट्यूब का एक सर्टिफाइड ऑफिशियल वीडियो कंट्रीब्यूटर हूं, जिसने सिंगापुर में गया था मैं एशिया में, अब मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया 2022 में, और अभी 2023 में मैं लंदन जाके ग्लोबली इंडिया को रिप्रेजेंट करके आया हूँ। तो जो भी मैं नॉलेज दूंगा ना वो भाई ऑथेंटिक दूंगा। ऐसा नहीं है मैं अकेला ही हूँ पूरे इंडिया में, बहुत सारे और भी यूट्यूबर है जो ऑथेंटिक नॉलेज देते हैं। तो आप ऑथेंटिक जो ट्रस्ट वर्ती है ना वहीं से पॉलिसी को पढ़े, वहीं उनकी वीडियो देखे ताकि आपको एक सही नॉलेज मिले। वरना यूट्यूब पे भाई साहब उल्टे सीधे अपडेट भी लोग दे रहे हैं और भाई साहब उल्टे सीधे पॉलिसीज बता रहे हो, खुद पता नहीं है, पता नहीं ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ी हुई है कि आप सोच नहीं सकते। अब एक अफवाह तो इतनी तगड़ी उड़ी है कि भैया यूट्यूब पे आप अपनी अर्निंग नहीं दिखा सकते वरना आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगा, तब कि ऐसा पॉलिसी में कहीं लिखा ही नहीं है, बट लोग
भाई साहब वीडियोस बनाते हो और आप लोग भरोसा कर लेते हो, और आपको जब पॉलिसी की नॉलेज नहीं होती तो आप अटक जाते हो, और फिर भाई साहब वही बात है, आपका मोटिवेशन टूट जाता है, नए चैनल इस वजह से भी ग्रो नहीं हो पाते क्योंकि उनको सारी पॉलिसीज पता नहीं होती और कभी ना कभी कोई ना कोई पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं और उनको कोई ना कोई स्ट्राइक, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब बात करते हैं अगली बात है प्रोडक्शन की, कि भैया प्रोडक्शन वाली जो मिस्टेक है ना वो भी नए यूट्यूबर करते हैं। अब ये प्रोडक्शन में क्या है, प्रोडक्शन में मतलब है वीडियो को बनाना, तो उसमें कैसे स्क्रिप्ट को डिजाइन करना है, कैसे हमें इंट्रो रखना है, कैसे हमें बात करनी है, कैमरा का एंगल क्या होना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है। अब जैसे मैं आऊं, मेरा ये जो चिन्ह है ये कैमरा के बिल्कुल एंगल में है, तो ये एक बिल्कुल राइट एंगल है, लेकिन कई मैंने देखे यूट्यूबर भैया कई बार कैमरे को उल्टा, मतलब कैमरे को ऊपर कर देंगे, खुद नीचे बैठे रहेंगे, तो ये वाला जो गैप होगा ना ये बहुत ज्यादा हो जाएगा उनकी वीडियो में। कई बार देखा है कैमरा बिल्कुल नीचे होगा, वो खुद बड़ा बड़ा दिखेंगे, कई बार ये होगा कि भैया कैमरा साइड में रखा है वो ऐसे देख रहे हैं। एक तो कैमरा एंगल नहीं पता, लोगों को लाइट नहीं पता, कई लोग तो कैमरे के पीछे लाइट रख देते, सीधी लाइट आती है मजा नहीं आता, भाई लाइट रखनी है 45 डिग्री के एंगल पे रखो, तो लाइट क्या होनी चाहिए, कैमरा किस तरह से आपको डायरेक्ट सन उसमें, मतलब किस तरह से कैमरा को आपको रखना है एंगल पे, ऑडियो में क्या दिमाग लगाना है, ऑडियो किस तरह से बढ़िया निकलेगी, कौन सा माइक यूज करना है, ये लोगों को नहीं पता। तो जब आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी कमजोर होती है, देखिए पहले के जमाने में सब कुछ चलता था, आज से 5-7 साल पहले, लेकिन आज के टाइम की बात करूं तो जब आप जो कंटेंट बना रहे हो सेम वैसा ही कंटेंट कोई और यूट्यूबर अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्शन बना रहा है, अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है वीडियो, तो भाई ऑडियंस के लिए दोनों फ्री है, तो अच्छी क्वालिटी वाला वीडियो देखेगा ना, वो आपका क्यों देखेगा। तो अपना प्रोडक्शन क्वालिटी सुधारो, अगर आपके पास अच्छा कैमरा वैमरा नहीं है तो भैया वॉइस ओवर का चैनल बना लो, सिर्फ वॉइस पे ही काम करना पड़ेगा, जो 700-800 के माइक से हो जाएगा, लेकिन आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। ये चौथी मिस्टेक होती है। पांचवी मिस्टेक है SEO नहीं करना। अब SEO का मतलब क्या है, लोग सोचते हैं टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन यही SEO है, भैया ये SEO बिल्कुल भी नहीं है। अब आज के टाइम में SEO एक अलग लेवल पे पहुंच गया, अगर आपको एक बढ़िया SEO करना है तो आपने जो भी टॉपिक चुना है उसके लिए एक बढ़िया टाइटल और बढ़िया थंबनेल आपको बनाना पड़ेगा। मैं देखता हूं नए चैनल के थंबनेल बिल्कुल अच्छे नहीं होते, बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होते, अच्छा वो थंबनेल पे इंप्रूवमेंट भी नहीं करते। भाई आप किसी भी बड़े चैनल को देख लीजिए, उनके थंबनेल इंप्रूव होते रहते हैं। आज मुझे देख लीजिए, मैंने स्टार्टिंग का मेरा थंबनेल देखा आज 7 साल पहले का, आज का देखिए, हर 6 महीने में चेंज होते रहते हैं। तो अपना थंबनेल बनाने में थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे सीख लीजिए, बढ़िया थंबनेल बनाइए, बढ़िया टाइटल दीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन टैग वगैरह बाद की चीज है, और ना टॉपिक भी वही सेलेक्ट करें जिसकी ऑडियंस ज्यादा, जो सर्चेबल बहुत है, ये भी एक SEO का पार्ट है। तो ये पांच वो मिस्टेक है जो नए यूट्यूबर अक्सर करते हैं, और भाई साहब बाद में जाके उनको रिजल्ट मिलता है फेल का, और वो यूट्यूब पे फेल हो जाते हैं, और फिर हम जैसों को आके कमेंट में लिखते हैं कि सर मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूँ बट हमको कोई भी फायदा नहीं हुआ, कोई भी पैसे हमने नहीं कमाए। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपका नया चैनल है तो आप इनमें से कौन सी मिस्टेक अपने चैनल पर कर रहे थे, और भैया वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।